इसलिए। और इंदिरा गांधी, और आपको याद दिला दें, अगर 2019 के बाद मोदी को आने का मौका मिला, इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्योंकि राज्यसभा का समीकरण अपने आप बैलेंस हो जाएगा, वो फेवर में आ जाएगा। तो फिर दोस्तों, जो भी चाहे प्रधानमंत्री वो करे, इंदिरा गांधी ने चुटकी में 42वां संविधान संशोधन किया, 51 आर्टिकल बदल दिए 2 घंटे में। प्रधानमंत्री ऐसा काम कर सकता है दोस्तों? अब बताइए, प्रधानमंत्री शक्तिशाली होना चाहिए। और ये भी बात याद रखनी है, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या लोकसभा सदस्यों का? प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत का नेता होता है, यही तो प्रधानमंत्री होता है। ये दोस्तों नारा क्या दिया गया अब की बार, यार ये अध्यक्षीय शासन का चुनाव है या संसदीय शासन का चुनाव है? और ये पहली बार नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी थी इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो सवाल है, आजकल संसदीय शासन के चुनाव अध्यक्षीय मॉडल पे हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है शक्तियां मंत्रिपरिषद में हैं या प्रधानमंत्री में हैं? और जब शक्तियां प्रधानमंत्री में हो जाएंगी तो शासन संसदीय होगा या प्रधानमंत्री? लिखने की बात। अगला हेडिंग है प्रधानमंत्रीय शासन। अगला हेडिंग है प्रधानमंत्री शासन। अच्छा, प्रधानमंत्री शासन एक अतीत का एग्जाम्पल बता दें, थोड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि कुछ बड़ी चीज है। एक अतीत का एग्जाम्पल आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब RBI के गवर्नर थे तो उस समय अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री उस समय थे वो। या सोच के देखिए, मनमोहन सिंह और अर्जुन सिंह से बहुत सीनियर थे, इसलिए मनमोहन सिंह एक ऐसे मंत्रिपरिषद के नेता थे जिसके मंत्रिमंडल के मेंबर थे शरद पवार नंबर एक, अर्जुन सिंह नंबर दो, लालू प्रसाद यादव नंबर तीन। जब ये आते थे मनमोहन सिंह डर के मारे कुर्सी पर खड़े हो जाते थे। ये प्रधानमंत्री का हाल था। और एक बार मनमोहन सिंह ने बस अर्जुन सिंह को इतनी बात कह दी कि देखिए अर्जुन सिंह महोदय, थोड़ा एक बात ध्यान में रखिए, हम सोच रहे हैं कि IIT का और IIM का एक ब्रांच सिंगापुर में स्थापित कर दीजिए। अर्जुन सिंह का, मन्नू भाई सुनो, अपना दिमाग अपने पास रखना, दोबारा हमें सलाह देने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मुझे बताओगे? उनका बुरा मत मानो, का बुरा मान गया, बैठो उधर। कमाल था यार। इसलिए दोस्तों, मनमोहन सिंह कभी बोल पाए क्या? वो प्रधानमंत्री थे या मंत्री भी थे, इसमें डाउट था मुझे। प्रधान कब थे दोस्तों? और याद रखिए, मंत्री किस बात की शपथ लेता है? पद की भी शपथ लेता है, गोपनीयता की भी। अब मंत्री किस बात की शपथ लेता है आपको जानना चाहिए। मंत्री पद की शपथ लेगा गोपनीयता के भी, और जैसा मंत्री शपथ लेता है वैसा प्रधानमंत्री शपथ लेता है। कौशिक बासु ने अपनी किताब में लिखा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और कहा जाता है सारा मनमोहन सिंह के डिसीजन पे सिग्नेचर 10 जनपद में होता था। अब सवाल है, राजनीतिक, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राजनीतिक और संवैधानिक शक्तियां बट गई थी। राजनीतिक शक्तियां 10 जनपद में थी, संवैधानिक शक्तियां सेमर रेस कोर्स रोड में। सारी फाइल पे अंतिम मोहर किसकी लगती थी? सोनिया गांधी की। एक्सीडेंटल थे ही दोस्तों, एक्सीडेंटल थे। और मनमोहन सिंह के बाद, ओ माय गॉड, क्या प्रधानमंत्री, एकदम रेडिकल चेंज। मनमोहन सिंह जितने कमजोर, मोदी शक्तिशाली। मोदी है शक्तिमान है दोस्तों। इंदिरा गांधी को तो आपने देखा नहीं, इंदिरा गांधी को देखा नहीं है, लेकिन मोदी को आपने देखा है दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री में इंदिरा गांधी के बाद मोस्ट पावरफुल दूसरे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जाएगा तो नाम क्या होगा? मोदी। क्यों? मैं भावनात्मक नहीं हो रहा हूं, उसके पीछे तथ्य लिखने की बात है। पहला, प्रधानमंत्री अच्छा, अभी ये बताइए दोस्तों, विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री जाने क्या मतलब है? अजीब सा नहीं लगता आपको? मैं विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का मसला है,
और आप देखिए लोकतंत्र में दोस्तों, लोकतंत्र में मोदी की शक्ति है या जनता के द्वारा दी गई मोदी को शक्ति है। बनारस के चुनाव में आखिरी मुद्दे पे स्टार प्रचारक कौन था वहां का? यूपी के चुनाव में योगी को जिताने का पूरा श्रेय किसको जाता है? बीजेपी ने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित तक नहीं किया था। देखिए एमपी में अलग मामला है, एमपी में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट पहले से है, राजस्थान में पहले से है, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, चार ऐसे बीजेपी ने चुनाव लड़े, बिहार, जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित नहीं किया। बिहार में तो सफलता नहीं मिली, बाकी जगह सफलता मिली दोस्तों। तो ताऊ हर जगह प्रचार कर रहा है, क्यों? याद रखिए ताऊ का इसका मतलब मैजिक बरकरार है दोस्तों। ताऊ की बात पे लोग विश्वास कर सकते हैं कि ताऊ आएगा तो इसे राजस्थान में जान लगा दी है। मामला मैडम किसकी कमजोर है, मैडम किसकी कमजोर है। अब ताऊ कह रहा है मुझे देखो, मुझे देखो, मैडम को नहीं। लोग कहते हैं मैं मैडम को देखूंगा, मामला बन नहीं पा रहा है। ये भाई आप अजीब सी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल पावर दिखाता है दोस्तों। इसके पहले बीजेपी को महाराष्ट्र में नाउ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, शिवसेना को बीजेपी ने पीछे कर दिया। जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट, जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी। असम में चुनाव जीत लिया, बीजेपी का एक्सपेंशन साउथ इंडिया में हो जाएगा दोस्तों। ये किसी ने सोचा नहीं था, ताऊ ऐसा कर रहा है और इतना पॉलिटिकली पावरफुल दोस्तों। इसलिए ताऊ के सामने किसी खड़े होने की हिम्मत होती है क्या? राजनाथ सिंह तक खड़े नहीं होते दोस्तों। राजनाथ सिंह पॉलिटिकली बहुत पावरफुल नहीं है, ठीक है, मामला उत्तर प्रदेश से है, लेकिन वो कभी लखनऊ सीट बदले, कभी गाजियाबाद, कभी नोएडा। ताऊ दोस्तों एक साथ दो दो सीट को रिटेन करता है। वो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन? मोदी। मानव संसाधन मंत्री कौन? मोदी। वित्त मंत्री कौन? रक्षा मंत्री कौन? रियली मानिए वन मैन शो है दोस्तों, एक आदमी सारा डिसीजन लेता है। यहां तक कि मोदी ने सारे प्रशासनिक, पहली बार ऐसा, और आईएएस अधिकारियों को सीधा नंबर प्रधानमंत्री ने दिया है। आप अगर किसी मामले पर मंत्री से असहमत होइए तो आप सीधे में फोन करिए मंत्रियों के, सांसदों को अवकात नहीं दोस्तों। मंत्री किस खेत की मूली है? एक ही आदमी ताऊ के सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटा पाता है, वो भी दो चार बार एक्सरसाइज करने के बाद, वो अमित शाह। और आपको बता दें, आपको अच्छा ये भी याद दिला दोस्तों, अतीत यही बताता है जिसने भी पावर कंसंट्रेट किया, जिसने भी शक्ति का संकेंद्रण किया, इतिहास इस बात गवाह है, जिसने शक्ति का संकेंद्रण किया रिवोल्ट हो गया। मोदी को एक बात बचा ले जाती है, मोदी का परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये जब मुख्यमंत्री थे उनके भाई बंधु तभी भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं। ये बात मोदी को बचा ले जाती है। आदमी सोचता है तो भूत की तरह काम करता है यार ये तो। दोस्तों एक बात मोदी को देखकर मैं बड़ा इंप्रेस होता हूँ, पता है विदेश यात्रा से 24 घंटे की फ्लाइट से आ रहा है और तुरंत मैदान में खड़ा हुआ, चुनाव के मैदान में वैसे चमक रहा है। हम यहाँ सुबह से शाम तक क्लास लेते, शाम को जाए ऐसे सोते कोई दो चार लठ मार के एकदम से फ्लाइट खड़ गए, हवाइयाँ खिसक जाती है दोस्तों। मैंने कहा यार क्या बात है, 65 साल की उम्र में ऐसा आदमी एनर्जी कमाल। याद रखिए ये बात मंत्रियों को पता है, जो आदमी डेड ऑनेस्ट होगा उससे लोग डरेंगे। मॉरल पावर तो उसका हो जाता है, बाकी आप उससे व्यक्ति से सहमत हो सहमत न हो अलग बात है, परिवार से उतना ही दूरी। इसलिए मोदी ने किसी परिवार के मेंबर को टिकट कभी खुद नहीं दिया, किसी की हिम्मत है अपने परिवार टिकट मांग लेगा? राजनाथ सिंह को बेटे के लिए टिकट मांगना था, बैकडोर से हमें सास कलवाया, क्या ताऊ से थोड़ा जुगाड़ करवा दो टिकट बेटे के लिए चाहिए? ना ना, न बेटा न बेटी। इसे जो मोदी का विरोध करते हैं खासतौर पर देखिए, इस सब पारिवारिक जुमरा, भाई भौजाई क्या है यार, नेता कहते देश का कबाड़ा बना दियो। प्रधानमंत्री कोई नहीं ले, ये सही बात है कि दोस्तों लोग पूरा इकट्ठा हो गए, क्यों? परिवारवाद चलाने के लिए, रियलिटी है। और ये मोदी को पावरफुल है, यद्यप डेमोक्रेसी में आपको बता दिया किसी की शक्ति हमेशा नहीं रहती, शक्ति है जनता की, लिखने की बात। अच्छा बाकी कल आप